हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड नाइन्टीन महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनिनी को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 15 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्ष, अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद्य, नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय किशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जहां जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोयाजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस से सभी के नाम और पहचान की शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिनट ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनिनी को माफी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइन्स टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 15 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्ष, अक्की नेनी इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय किशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोएजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस सभी के नाम और पहचान शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो ये वन टू तेलुगू फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिनट ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डी साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनिनी को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 15 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय किशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोएजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस से सभी के नाम और पहचान की शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलगु फिल्म तेलुगू ओ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिनट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो क्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीन को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद्य स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 15 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय किशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोएजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस सभी के नाम और पहचान शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ ओटीटी टी प्लेटफॉर्म भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिंट ओटीटी टी प्लेटफॉर्म भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीन अनी को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूँ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल पंद्रह करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय किशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोहजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस सभी के नाम और पहचान शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नज़र आएगी तो ये वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिंट ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीन अनी को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद्य स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूँ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल पंद्रह करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्ष, अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद्य नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय किशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोयजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रॉ एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस सभी के नाम और पहचान शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिंट ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनिनी को माफी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूँ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल पंद्रह करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्ष, अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद्य नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जयकिशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोहजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रॉ एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस सभी के नाम और पहचान शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिंट ओ टी प्लेटफॉर्म पे भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो क्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊँगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो मोरिया साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनिनी को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 15 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम, कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्ष, अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद्य नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जयकिशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नौसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोयाजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस से सभी के नाम और पहचान की शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिनट ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डीनो क्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनिनी को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वादी स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल पंद्रह करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्ष, अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद्य नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय किशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामाहदेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रो एजेंट था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी संन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस से सभी के नाम और पहचान की शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नज़र आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिनट ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊँगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 भारती की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो मोरिया साक्षी वैद और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड कोविड-19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनिनी को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वादी स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल दो हज़ार तेईस को रिलीज की गई थी गोल्ड माइन्स टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल पंद्रह करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद्य नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय किशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोएजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रॉ एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस से सभी के नाम और पहचान की शामिल हो जाती है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नज़र आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिंट ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड नाइन्टीन महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनि को माफी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइन्स टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूँ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल पंद्रह करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद्य, नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डेंजिल स्मिथ और जयकिशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोएजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस से सभी के नाम और पहचान की शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नज़र आएगी तो ये वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिनट ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड नाइन्टीन महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनिनी को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूँ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल पंद्रह करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्ष, अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद्य, नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोएजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस सभी के नाम और पहचान के शामिल हो जाती है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नज़र आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिनट ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की नेनी ममूटी डिनो साक्षी वैद और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड नाइन्टीन महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनि को माफी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी नदी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 15 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्ष, अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद्य, नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामावदेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोएजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस से सभी के नाम और पहचान की शामिल हो जाती है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिंट ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डीडो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीन को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और है इसकी सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वामसी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 15 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्ष, अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोएजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उपन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस से सभी के नाम और पहचान की शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिंट ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डीडो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर २०२० में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड कोविड-१९ महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनिनी को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दू इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल पंद्रह करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनोमोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद्य नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछ ज की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नौसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोएजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस सभी के नाम और पहचान शामिल हो जाती है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिंट ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल हैं। यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनिनी को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल पंद्रह करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डेंजिल स्मिथ और जय के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सोपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोएजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस से सभी के नाम और पहचान की शामिल हो जाती है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगू ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिंट ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊँगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो मोरिया साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डिनो साक्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापट्टनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीनि को माफी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वक्त नथ वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज़ की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल पंद्रह करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय किशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जामादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोएजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिस से सभी के नाम और पहचान की शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार जरूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगू ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नजर आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिंट ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाकर देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक 2023 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की ने ममूटी डीनो क्षी वैद्य और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बूडापेस्ट विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड में महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों अगर आप आज के इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है एजेंट तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं जिसका नाम है एजेंट तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ फिल्म एजेंट के स्टोरी के ऊपर एक छोटा सा डीप रिव्यू करके बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों एजेंट एक दो हज़ार तेईस की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन जासूसी फिल्म है जो सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कनथम वामसी द्वारा लिखित है इसमें अखिल अक्की नेनी ममूटी डिनो साक्षी वैद और विक्रमजीत विक्र शामिल है यह फिल्म तेलुगु सिनेमा में वैद्य और मौर्य की पहली फिल्म है फिल्म की घोषणा सितंबर 2020 में की गई थी फिल्मांकन हैदराबाद बुडापेस्ट, विशाखापटनम और मनाली में हुआ है कोविड 19 महामारी और उत्पादन में देरी के कारण रिलीज को कई बार स्थगित किया गया था एजेंट को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली जहां यह बॉक्स ऑफिस बम बन गई और निर्माता अनिल सुनाकरा और अकीन को माफ़ी मांगने के लिए भी प्रेरित किया उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पादन बिना किसी वाद स्क्रिप्ट के शुरू हुआ था स्टार टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो निर्देशक और पटकथा इसकी की है सुरेंद्र रेड्डी ने कहानी वकन वामसी ने दी है और इस फिल्म को 28 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई थी गोल्ड माइंस टेलीविजन्स ने इस फिल्म को वितरित किया था यह फिल्म बनाने में पैंसठ करोड़ की लागत आई थी और मैं आपको बता दूं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 15 करोड़ की कमाई करी थी स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो राम कृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला के रूप में अखिल अक्की ने इस फिल्म में नजर आएंगे ममोटी रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल उर्फ गुरुजी के रूप में नजर आएंगे डिनो मोरिया धर्म उर्फ द गॉड के रूप में दिखाई देंगे विदा के रूप में साक्षी वैद नासा में एक महत्वाकांक्षी पायलट प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में दिखाई देंगी देवा के रूप में विक्रमजीत विक्र अभिजीत मेहता के रूप में डैंजिल स्मिथ और जय किशन के रूप में संपत राज नजर आएंगे स्टोरी प्लॉट की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के अंदर रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई जहा महादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी द सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जयकिशन और धर्म उपमान भगवान इस बीच रामकृष्ण रिक्की उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो एक असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिक्की को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नवसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है यह पता चला कि धर्मा एक पूर्व रोहजन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दृष्ट हो गया था और जब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी सन्यास उत्पन्न हो जाती है रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जयकिशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव से रो एजेंट होने के इनकार करता है ऐसा करने के तुरंत बाद रिक्की धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है बाद में यह पता चलता है कि रिक्की की गिरफ्तारी रिक्की और महादेव दोनों द्वारा धर्म का के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी इस बीच वायरस युक्त तो डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उत्तचम बोली लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था भी की जाती है जिसके बारे में महादेव को रिक्की से पता चलता है कि वह उसे डिवाइस की एक प्राप्ति प्राप्त करने के लिए काम सौंपता है जिससे सभी के नाम और पहचान की शामिल हो जाती है हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र पंद्रह करोड़ की ही कमाई की थी जबकि इसका लागत पैंसठ करोड़ था फिर भी यह एक रॉ एजेंट की स्टोरी के ऊपर निर्धारित है तो यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वन टाइम वॉच आपके लिए हो सकती है तो यह फिल्म आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं कि यह फिल्म कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर नज़र आएगी तो यह वन टू तेलुगु फिल्म तेलुगु ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको नज़र आएगी देखने के लिए और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव मिंट ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी आप जाके देख सकते हैं